मैं सचिन वर्मा, एक बार फिर स्वागत है आपके अपना चैनल माय डिज़ाइन सेंटर में। आज हम इलस्ट्रेटर चालू करने वाले हैं, पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक टूल क्या काम है क्या। इलस्ट्रेटर एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को वेक्टर किया जा सकता है, वेक्टर में बना के से एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें कोई पिक्सल का काम नहीं होता, पूरा वेक्टर पर डिपेंड करता है। और जैसे इसका कुछ सिंपल सा जिसमें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में अंतर ये है, फोटोशॉप में एक लिमिट रहती है इमेज की, लगभग इससे बड़ा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें नो लिमिट, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप कितना ही एक्सटेंड करो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर है। इसमें वेक्टर की दो रहते हैं, कलर डा इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइन के लिए। जैसा इसमें बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं, इसके बाद हमें कितना ही एक्सटेंड कर ले हटेगा नहीं। और फोटोशॉप में लगभग एक साइज के ऊपर जाकर एक इमेज रहती है, रेस्ट साइज, जिससे हम ज़्यादा लार्ज नहीं कर सकते। उसके बाद पिक्सल फटने चालू रहते हैं, तो करते हैं आज से चालू। ये सा सिंपल सा है इंटरफेस है। इसका सिंपल सा इंटरफेस आप देख सकते हैं, कलर कोड है, कलर गाइड है, स्वेचेस, ब्रश, सिंबल, ग्रेडिएंट, बहुत सारे हैं, टूल बार, मिनी बार, जैसे टूल बार कहते हैं, मिनी बार कहते हैं। हम जैसे नया पेज बनाते हैं इसमें, तो कंट्रोल एन प्रेस, कंट्रोल एन टू न्यू पेज और गो टू फाइल न्यू। एक सिंपल सा इंटरफेस खुलेगा अपने सामने। इसमें हम देखते हैं कुछ प्रीसेट्स बने हुए जो मैंने अभी तक यूज़ किए, A4, A3, A4 कस्टम और कैच और A3 कुछ कस्टम पेज देते हैं, सेव्ड फोन सेव करते हैं मोबाइल डिवाइस के लिए। इसमें आईफोन का दे रखा है, तो भी फ़ोन का जो अपने को बनाना है उसमें वेब के लिए दे रखा है, प्रिंट मीडिया, लेटर, A4 रीगल, वीडियो फिल्म के लिए, आर्ट एंड इलस्ट्रेटर जो अपने को बनाना है। सिंपल सा पेज ले लेते हैं, इसमें पेज बाद में भी सेट हो सकता है, ऐसा नहीं है ज़रूरी अभी ये करना। इसमें अनटाइटल वन की जगह अपन यहाँ पर अनटाइटल की जगह आप कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे क्लास हाइट की जगह चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। यहाँ से नीचे इसमें लेते हैं हम एक का साइज 8.5, 8.5 इंच, 11 इंच, इनकी लेंड इसके पोर्टेबल आर्ट बोर्ड के हम बढ़ सकते हैं, ये काम बाद में देखेंगे। देन क्रेक ये अपने आर्ट बोर्ड बन गया। और हाँ, साथ ही में आपने देखा हुआ आप उसका कंट्रोल एंड का जो न्यू पेज से आर्ट बोर्ड, आर्ट बोर्ड का काम बता आपको कितने पेजेस चाहिए, 4 पेज क्रेट, ये 4 पेज इसको मैं बंद करता हूँ। सबसे पहले ये हमारा सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो ब्लैक वाला है, इसे सिलेक्शन टूल। तो हम सबसे पहले बेसिक शुरुआत करते हैं, सबसे बेसिक टूल होता है रेक्टेंगल टूल। इसमें रेक्टेंगल टूल हो गया, रेक्टेंगल टूल ये हमारा हो गया सिलेक्शन टूल। इसमें शॉर्टकट इज भी सेम, कौन से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके किधर भी ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो सिलेक्शन ये हमारा कलर कोड है, यदि आपको नहीं मिले विंडो में जाए, विंडो देन वो कलर, कलर इसका एक तो शॉर्टकट है, कलर क्लिक करें कलर खुल जाएगा। कभी आपके इसमें ऐसा आता है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जो एरो दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें इसका कलर चेंज करना है, ये कलर ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे कलर चेक कर सकते हैं। दूसरा इसी के अंदर हमारा एक और टूल आता है, इसको
को हम देखते हैं पहले, सबको मैं करता हूँ डिलीट, फिर डिलीट, फिर को रेक्टेंगल बनाते हैं। हाँ फर्स्ट जैसे आपने ये बनाया, फिर इसको आपको जूम करना है, जूम इन जूम आउट करना है, तो जेड या उसमें दे रखा है भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अपना है अल्टर को होल्ड कर करके और इसको विल माउस का विल घुमा, जैसे आप उसे बड़ा छोटा करेंगे होगा, एक दबाएंगे तो हैंड टू लग जाएगा यहाँ पर दे रखा है, या फिर सीधा स्पेस बार को दबा के रखिए तो ये हैंड टूल का काम करेगा, और कंट्रोल माइनस से छोटा होगा, कंट्रोल प्लस से बड़ा होगा, ये शॉर्टकट है, या फिर कंट्रोल जीरो दबा दी पेंट टू फिट के लिए। हम देखते हैं एक बार रेक्टेंगल लेते हैं, बैक स्ट्रेचिंग टूल का काम देते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेचिंग टूल का क्या काम, आपने देखा होगा इसमें चारों कॉर्नर पे रखे, इसका काम है आपको किस एंगल से घुमाना है इनको, आपको ये स्पीड को घुमाना है, इन सभी को घुमाना है, तो सभी को सिलेक्ट कर पूरा घुमा दीजिए, और हाँ एक बात, यदि आप इसके रेक्टेंगल टूल लेते हैं और डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं तो साइड टू चाहिए, किस साइज में बनाना है आपको, तो यहाँ पर साइज भी आप मेंटेन कर सकते हैं 4x4, या फिर आप डायरेक्ट ले सकते हैं इस कॉर्नर से पकड़ के खुद ही साइज कर सकते हैं डायरेक्ट, इससे आप रीसाइज भी कर सकते हैं बाद में, इससे रीसाइज इस कॉर्नर से इधर से हो जाएगा, ये हो गया रीसाइज। इसके बाद हमारा दूसरा और आगे देखते हैं हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसका देखते हैं हम राउंड रेक्टेंगल टूल, राउंड रेक्टेंगल टूल इसमें से कॉर्नर से राउंड आएंगे, सीधा आप देख सकते हैं लाइक दिस, इस टाइप से कुछ इसके एंगल राउंड, इसमें ही हम इसके नहीं कर सकते, इसको भी एक बनाएंगे, इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल राउंड, इसके लिए सीधे करने हैं तो ये यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते, एलिप्स टूल, एक एलिप्स टूल है इसमें सर्कल्स बनाने के काम आएगा वो, पॉलीगन टूल, पॉलीगन बनाने हैं, या फिर डायरेक्ट क्लिक कीजिए, साइज पूछेगा साइज कर देते 5 या 15 कर देते इसमें, वो साइज हो जाएगा 20, फिर क्लिक सबको हटा देते हैं, फिर देखते हैं नया कुछ से पिछले गए क्लिक किया डायरेक्ट भी डायरेक्ट सेकंड टूल पर हम जाएंगे, उसके बाद अंदर की ओर बाहर की ओर ले जाते हैं कुछ नहीं, रोटेट कर सकते हैं सिंगल से घुमा के कैसा भी कुछ कर सकते हैं, एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, ये बनाए किसी कॉपी अल्टर के साथ होल्ड करके रखिए, कॉपी बन जाए अल्टर के साथ दबा के कॉपी मेक अ कॉपी देन कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, क्या है कंट्रोल डी इसमें डुप्लीकेट काम जो आपने पहले ट्रांसफॉर्म किया है तो सभी के ऊपर अप्लाई होगा, देन होल्ड ओके और एंटर दबा, ठीक है कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ये कुछ इंटरफेस हमारे सामने फाइन, जैसे हम इलिप्स टूल्स कुछ ट्राई करते हैं, इसका कलर हम करते हैं वाइट, ठीक है जिसे हम एक यहाँ और इसे उठा के हम यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट
करते हैं, देन फिर आ गया कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अच्छा सा लुक आ गया लगभग, और देखते हैं इसमें। वाह, इन सब को क्या है, डिलीट। इसके बाद देखते हैं एलिफ टूल्स, एलिफ हम देख चुके हैं, यहाँ तक कलर को चेंज करने के लिए। हाँ, आप यहाँ पर देख रहे होंगे फिल, फिल और स्टॉक फिल का क्या काम, फिल जो आपको सामने कलर दिख रहा है कहते हैं फिल, या तो फिर इस पर डबल क्लिक कीजिए तो कलर कोड आपको सामने खुल जाएगा, जैसे कि ऑरेंज स्ट्रोक फिल यहाँ पे दे रखा है ग्रीन। इसको आप जूम करके देखेंगे तो स्ट्रोक बोलते हैं लाइन को, जैसे आप स्ट्रोक पे चेंज करेंगे आप कलर ब्लू कलर, देन यहाँ प्रॉपर्टीज आप से और भी बड़ा सबसे ज़्यादा अंदर से बड़ा करते हैं। इसका शॉर्टकट है एक्स, एक्स कुछ भी चेंज करना हो इससे सब चेंज होता है, ऐसे करते हैं एक्स जैसे दबाएंगे अपन तो कुछ ये इसका कलर डायरेक्ट फोरग्राउंड कलर आ गया ऊपर। फिल जो हमें फिल करना है, यहाँ से हम स्टॉप पॉल ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। ये फिल है, ये आउट स्टॉक है, सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। स्टार एक यहाँ बनाते हैं, इसे हम थोड़ा सा राउंड करते हैं, एक यहाँ बनाते हैं, इसे एकदम स्ट्रेट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा आउटर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसे दबाएंगे या फिर इसे जाएंगे यहाँ कलर चेंज थोड़ा सा। ठीक है, आज हम पूरे बेसिक टूल लगभग बेसिक टूल देख चुके हैं, बाकी हम बाकी टूल हम आपको देखते हैं कल। हम देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम, देखेंगे कल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है और कुछ दूसरे टूल करना कर देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।